अरे हद है, आप तो मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे मैं कोई हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल हूँ। देखिए, हेयर थेरेपी एक ट्रीटमेंट है और हर ट्रीटमेंट के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। ये देखिए, ये वरुण का सिग्नेचर है ट्रीटमेंट पेपर पर, जो उसने अच्छे से देखकर पढ़कर फिर साइन किया है। डिस्पेंसरी सुना ये रूल्स का हुल बिल किसी और को देने का तुम लोग का फॉल्ट है। तुम लोग बाल उगा नहीं पाते हो और नाम किसी और पे डालते हो। मैडम सर, आज सुबह से इतने सारे केस सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा तनाव में। आप बैठी बैठी आराम से बात करते हैं, आराम से बैठिए आप। जी आप बताइए, आप कुछ कह रही थी। देखिए, गलती वरुण की है। हमने उसे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ट्रीटमेंट के दौरान वो कोई भी हैवी मेडिसिंस, हैवी ड्रग्स नहीं ले, पर उसने फिर भी लिया। का मतलब हम कुछ समझे नहीं, लिया मतलब कैसे लिया? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वरुण की हेयर थेरेपी के 4 सेशन होने थे, जिसमें से 2 तो उसने अटेंड किए, लेकिन उसके बाद बिना बताए, किसी इन्फॉर्मेशन के बिना अचानक वो ऋषिकेश चला गया अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ किसी कुत्ते के काटने पर उसने रेबीज का इंजेक्शन लिया। आपको पता है रेबीज के इंजेक्शन में कितनी हैवी मात्रा में ड्रग्स होती हैं? तो फिर रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? हम अपनी जगह लीगली एकदम करेक्ट हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर फिर से जरूरत पड़ेगा तो आपको याद करेंगे। याद क्या करेंगे, थाने बुलाएंगे ना। याद करेंगे। धन्यवाद, चलिए। आने के लिए शुक्रिया। जी जी। अरे हाथ हाथ सामने से किधर, और लगाना तेरी साइकिल उड़ा देगी। अरे देवा, कट-कट रही है हेलमेट। सुन डार्लिंग, अभी तेरे बोलने पे मैं डिस्पेंसरी गई, सब किया, अभी ले मेरे को वंटा सोने का है, मैं जरा अपना पकड़ना करके आती है। हाँ आती मैं। माँ ओ ओ ओ, कहाँ कहाँ जा रही है तू? तुम्हारा जो ये पौवा वौवा है ना, ये सब बाद में। सबसे पहले तुम थाना आओगी, हमारे साथ इस केस को सुलटाने में मदद करोगी। चलो। अरे जाने देना डार्लिंग, थोड़ा इस थोबड़े का लिहाज कर, हसीन दिल रुबा, जान दे प्लीज। अरे अरे क्या, ये क्या कर रही है तू? डार्लिंग पूरी दुनिया देखेगी कि ऐसा इन्हें, ऐसी सुको हथकड़ी लगाया है, पूरे शहर में ऐसे लेके घूमेगी तू मुझे? वो राइटर ने देख लिया तो वो तो तेरे इज्जत का भजिया पाव बना के लिख देगी इतिहास में। हटा हटा ये सब मत कर, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए ना हमारा हाथ ही काफी है। चलो। वाह, हमारा हाथ ही काफी। इस रुमाल पे ये जो लोगो है, ये तो विनीता की क्लिनिक का है। कहीं आदमी वही तो काम नहीं करता? अगर ऐसा है तो इसके पीछे लगकर पक्का कोई सुराग हाथ लग सकता है। लेकिन करिश्मा सिंह इस तरह हमारे साथ रही तो हम खुलकर कुछ नहीं कर पाएंगे, पीछा छुड़ाना होगा। ए सुन सुन सुन, वो मेरे को बहुत मुश्किल से ना एक रेकड़ी वाला मिला है गोमती नगर के पुल के नीचे, जो बिल्कुल मुंबई के जैसा वड़ा पाव बनाता है। मेरा बहुत वड़ा पाव खाने का मन है, प्लीज मेरे को जान दे, मेरे को बहुत घर की याद आ रही है। मैं नक्की 1 घंटे में वापस आ जाएगी। आई चप्पल। 1 घंटा? 1 घंटा में नहीं आओगी ना तो हम आएंगे, और अगर हम आएंगे तो तुम्हारे पैर पे गोली मारेंगे, फिर 1 महीना थान में बैठना। फिल्मों में ट्राई करके नहीं करती तू? आती है, मैं 1 घंटे में आएगी, मैं 1 घंटे में आएगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।